सारी के सारे अंडे दोबारा के साथ कलेक्ट करते हैं और लेके आके रखी है। ओए होए, तो ये देखें ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अभी तक आपने फर्क ब्लॉग जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। इंशाल्लाह ताला हमने 1000 सब्सक्राइबर टच करने में सिर्फ थोड़ी देर रह गया, कोई 200 या 250 सब्सक्राइबर रह गए। इंशाल्लाह ताला वो भी हमने जल्दी के साथ टच कर लेना है और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेने हैं। जैसा कि हमने जो सी अपनी कल मुर्गी को उड़ाने को बैठाया, उसका हमने सूरत हाल देखनी है। कल बैठाया था, अभी उसको दाना पानी भी डालना है और चीज़ें भी डालनी है। उस वक्त का मैंने खोला ही नहीं, सिर्फ सुबह खोला था। मैंने कहा था जरा थोड़ा सा घूम ले, फिर शाम टाइम जब दोपहर टाइम वीडियो बनाऊंगा तो उस वक्त दोबारा खोल दूंगा और देख लेंगे क्या सूरत हाल है, मुर्गी असल कूड़ा कोई भी है कि नहीं हुई है। अभी हमने ये वाले वॉशरूम में रखा है जहाँ कोई भी नहीं आता है, घर वाला ऊपर वाले पोर्शन। अभी ना मैं ना ये देख, ऊपर मैंने ना ईंट वगैरह रखी है, ये कपड़ा रखा है, ये देखे, ये देखे, ये देख, ये देख, ये देख। मैं एक बार अंडे गिन लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, 3 एक, फिर इसने अंडा दे दिया। अभी ये असल कूड़क नहीं हुई मुझे लगता है, ये देखे। मेरे ख्याल से फिजा, फिजा कहाँ गई है? फिजा कितने अंडे रखे थे हमने इसके नीचे, 11 के 12 12 गिने नहीं थे तुमने? गिने तो मेरे ख्याल से 11 से या 12 थे। अभी इसको ना हम ना पानी वगैरह डालते हैं, अभी पानी और दाना मैं नीचे से लेके आया और उसको डालते हैं। मेरे ख्याल से तो एक इसने दोबारा के साथ अंडा दे दिया। 1 2 3 4 5 6 छे नहीं है, 12 अंडे हैं। मैं ना अभी ना जो सी पुरानी वीडियो है उसके अंदर देखता हूँ कि हमने इसके नीचे कितने अंडे रखे थे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल कूड़ा कोई गया। जैसे कि वादा ही निकाल रही है, मुझे तो लगता है असल कूड़ा को हो गया। अभी ना इसको ना हम ना पानी और दाना वगैरह डाल देते हैं। यार मुझे पता चल गया, इसने दोबारा के साथ अभी अंडा दे दिया। अभी ना इसको सारे जो से अंडे ये पूरे करने देते हैं। ये देख मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने कैसे पहचान की थी तुम्हारे जाने के बाद। ना मैंने एक काम किया था, मैंने कहा था अंडे देगी तो हमें ना पता चल जाएगा। इधर आ जरा, इधर आ जरा, बाग के इधर आ, बाप के साथ अंदर आ गए। ये देख जितनी है ना, मैंने सारों के ऊपर मार्कर का निशान लगाया था, इसने ना उल्ट पुलट किया ताकि इनको वेट सही हो जाए। और ये देखें इस संडे के ऊपर ना, देखिए कहीं भी ना, ये देखें मैं आपको बाहर आके दिखाता हूँ, ये देखें किसी चीज़ का भी नहीं निशान है, ये आपको नज़र आ रहा होना। अभी ना इसने ना मेरे ख्याल से पक्की कुड़क नहीं हुई है। अभी ना हम इसके सारे के सारे अंडे उठा देते हैं और जहाँ पहले पड़े थे वहाँ ही रख देते हैं, और इसके नीचे 2 अंडे रख देते हैं, एक छोटे वाला अंडा रख देते हैं और एक जो सा हमारे पास नकली प्लास्टर का अंडा पड़ा है वो रख देते हैं। और इसके लिए हम अलहदा के साथ ना दाना पानी भी रख देते हैं। सही है, हम दाना पानी भी रख देते हैं। जो सा बर्तन पड़ा था ना वो मैं ले आया, जिसके अंदर हमने ना अंडे इकट्ठे करने हैं। जो सा इसने अभी अंडा दिया वो देखें यहाँ रख दिया मैंने। अभी ना ये देखें सारे के सारे अंडे ना मैं एक एक करके ना यहाँ रखता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें जरा ना सीधा करके रख लूँ ताकि ना सिर्फ एक जो सा सबसे छोटा अंडा है, और एक अभी मैं आपको ना जरा बाहर जाके बताता हूँ कौन से मैं अंडे आपको कह रहा हूँ नीचे रखने हैं। जो सा एक प्लास्टिक का अंडा है और एक सबसे छोटा अंडा है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखते होंगे आपको पता होना जो सा हमारी ने ना मुर्गी ने सबसे छोटा अंडा दिया है। अभी सारे के सारे अंडे दोबारा के साथ कलेक्ट करते हैं और ना बाहर जाके जिस जगह पे हमने रखे थे उस जगह पे ध्यान के साथ ना जरा ना रख देते हैं। ये देखिए अभी ना मैं इसको उस जगह पे रखता हूँ जहाँ हमने ना पहले रखे थे। वही ध्यान से हुए पूरे ही लड़े हैं। अभी मैं लाइट वगैरह भी चलानी है, ये इधर रख देता हूँ अभी आरजी तोड़ के, बाद में ना मैं पकड़ के ना दोबारा के साथ ना इसको उसी जगह पे रख दूँगा। अभी मैं आपको ना बैठ जाके बताता हूँ कौन कौन सा अंडा है। एक छोटा अंडा है ये वाला, ये देखें ये इसके साथ वाला, ये इसका सबसे छोटा अंडा है। फिजा जो सा प्लास्टिक का अंडा है वो हमारे पास कहाँ नीचे पड़ा है, जो सा बॉल वाला जिसके साथ तुम खेलते हो, जो सा प्लास्टिक वाला अंडा है ये उसको ना बॉल के बॉल भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्या। अच्छा अभी हमने मुर्गी बंद करते हैं, वो ना इसके साथ बैट बॉल भी खेलती है। अभी मैं नीचे से पकड़ के लाया, पहले ना हम ना जो सी अपनी रानी मुर्गियाँ ना उसको ना दाना वगैरह डाल देते हैं। ये देखें ये इस कोली के अंदर मैं दाना लेके आया, ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दाना पकड़ लिया, बाकी ये जो सी ये वाली रोटी है ये थोड़ी सी पड़ी है, अभी मैं नीचे से लेके आके रखी है। ओए होए, तो ये देखें ज़्यादा जल्दी का फिर ये इंतज़ाम होता है।
फिर मैं रानी को यहाँ भी छोड़ देता हूँ, ये देखे ये खुद ही इसने ना खा लेना। अभी ये रोटी के भी मैं छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देता, और हमारे जो से दो चूते हैं ये देखे माशाल्लाह के साथ ये भी एक्टिव है। अभी ये छोटे छोटे हैं, ये हमने तकरीबन 900 रुपए के लिए थे, इसको अभी तकरीबन 5-6 दिन हो गए, ये काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। अभी ना दोस्तों हम ना दोनों असली अंडे ही रखने लगे, क्योंकि हमें जो सा नकली अंडा वो मिल गया अंडा। अभी ये वाला जो सा असली अंडे हैं दोनों, ये यहाँ रखने लगे हैं, और मुर्गी रानी को पकड़ते हैं, और पकड़ के ना हम ना इधर लेके आते हैं और बंद कर देते हैं इसको। 10-15 मिनट हो गए, ये देखे आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, बिल्कुल मुझे लग रहा है जब आवाज़ें ऐसे की निकाले तो मुर्गी ना कुड़क होने वाली होती है। अभी देखना मैं पास जाऊँगा और देखना कैसे बैठ जाती। ये देख, नहीं ये देखे नज़र आई है, ये ऐसे ही बैठ जाती है। अभी मेरा दिल तो कर रहा है हम ना इसको ना एक दो दिन ना ज़रा सब्र कर लेते हैं, जब ये अपना पूरे अंडे पूरे कर लेंगे जो इसके अंदर अंडे बचे हैं, तो ना हम दोबारा के साथ इसको कुड़क में बैठाएंगे अपनी देख कर। अल्लाह ने चाहा तो अंडे ख़राब भी होने, अभी इसको ना एक दो दिन फिरने देते हैं, ये एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देती है। अगर इसने दोबारा के साथ यही काम किया, दोबारा अंडा दे दिया, तो फिर हमने जो से वो वाले अंडे हैं वो ख़राब हो जाने, कभी वो गर्म हो जाएंगे कभी ठंडे हो जाएंगे। इसीलिए ना हम इसको ना थोड़ा सा सब्र लेने देते हैं और इसको ना एक दो दिन घूमने देते हैं। अभी ये हरानी आ गए ना, यहाँ से बिना इसने दाने का सफाई कर देना। अभी इसकी मैं छोटी छोटी रोटियाँ करके डाल देता हूँ, छोटे चूजे भी खा लेंगे और जो उनसे माड़े हुए रानियाँ वो भी खा लेगी ये जो उनसे पड़े हैं। इनों को पानी, ये देखे पानी मैंने कोली के अंदर डाल दिया, ये खुद ही आके ना नीचे, ये देख खुद ही नीचे आके खाए पी लेंगे, और बाद में इनों को बंद भी कर देंगे। आज फिर हमने रानी को इसके कमरे के अंदर ही बंद करना है, जहाँ हमने ना इसको पहले एक पहाड़े के अंदर बिठाया था, क्योंकि अभी इसको छोटे अंडे और एक प्लास्टिक का अंडा मेरे पास पड़ा है उसके अंदर रखेंगे, क्योंकि जितनी देर के ये कुड़क नहीं होती उतनी देर के हमने जो उनसे वो वाले पुराने अंडे हैं जो उनसे बाना हो गए अब तकरीबन, वो उस देर तक हमने नीचे नहीं रखने, वरना वो भी ख़राब हो जाने हैं। आजकल ज़रा मौसम भी ठंडा है, जिसकी वजह से ना ये अंडे इतनी जल्दी ख़राब नहीं क्यों होंगे। अभी इन दोनों अंडों को पकड़ते हैं, एक अंडा ये है, अभी ना इसको ना मैं यहाँ रख देता हूँ, ये देखिए, और ये जो सा प्लास्टर का अंडा है वो मैं जल्दी के भाग के साथ ना वो ना नीचे से ऊपर लेके आया, और फिर रानी को आधा घंटा और फिरने देंगे। इसको मैंने सुबह भी खोला था, और ये ना इसको तकरीबन मैंने 5 या 10 मिनट इसको छोड़ा था, इसने खाना वगैरह खाया है, थोड़ा सा घूमा फिरा, और फिर अंदर मैंने दोबारा के साथ बंद कर दिया। मैंने कहा जब शाम दोपहर टाइम वीडियो बनाऊँगा तो दोबारा के साथ ना इसको खोल लूँगा, और आपको सूरत हाल भी बता दूंगा कि मुर्गी हमारी कुड़क हुई भी है कि नहीं। मुझे अभी लाग तो नहीं रहा कुड़क हुई है, अभी अल्लाह ने चाहा तो हमारी मुर्गी ज़रूर अंडों में से ना बच्चे निकाल देगी। क्या खुद ही आके ना अपना पानी पीने लग पड़ी है, इसको मैं रोज़ यहाँ पानी डालता हूँ, इसीलिए ना इसको अपनी जगह की पहचान हो गई, देखे कितनी प्यास लगी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके ना हम ना इसको कुड़क के ऊपर बैठाते हैं, ज़्यादा गर्मी हो गई तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाना मुर्गी के लिए भी और जानवर के लिए भी जो से हमारे छोटे चूजे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी के साथ ही अपने अंडे पूरे करें और फिर हम इसको ना जल्दी के साथ अंडों के ऊपर बैठाएं। अंडे हमारे पास पूरे हैं माशाल्लाह के साथ, एक दर्जन हो गया, अभी इसको पेट भर के पानी पीने दें। आज रात को हमने इसको खुला ही छोड़ देना, खुला छोड़ के इसको उसके एज के अंदर बंद कर दें, और जो उनसे हमने तैयार किया उसके अंदर ही बंद कर देंगे, वो भी एक साहब का खुला ही है, ऊपर उसके ऊपर हम टोकरी डाल देते हैं। आज हम ना उसके ऊपर कपड़ा नहीं डालेंगे, खुद ही अपनी मर्जी के साथ बैठेगी सही, वरना इसको ना कल सुबह ना हम घूमने देंगे, और जो उनसे लैला मजनू मैं उनों की मैं आपको ना दिखाता हूँ। मैंने पट्टे ना सारे डाल दिए हैं, ये देखो इससे यहाँ इसने दाना नहीं खाया है, जब वो छोटे चूजे आएंगे तो वो खुद ही दाना खा लेंगे। ये देखें ये दोनों यहाँ आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता के साथ शाम हो जानी, और वैसे वैसे इन्होंने नीचे जाई जाना। अभी रानी को भी देखे दाना नज़र आ गया, अभी इन दोनों को ना मैं पकड़ता हूँ ना, ये देखें निकलो, अभी ये खुद ही अपनी मर्जी के साथ चल जाएंगे। और इन्हों को देखें पट्टे मैंने माशाल्लाह के साथ ना भर के डाल दिया। अभी जो सी इन्हों की डाइट है काले चने और जो सी रोटियाँ, ये भी अभी हमने ना इन्हों को भिगोनी है, पहले इन्हों को सारे के सारे पट्टे खाने देते हैं। इन्हों को मैंने दाना पानी वो सारों का कर दिया, जानवरों का भी कर दिया, जो सा रात को वंडा है वो चने वगैरह मैं ले आया हूँ, रोटियाँ हमारे पास वैसे पड़ी है, जो सी ना सुबह सैरी में बच जाती है वो फिर हम बकरों के लिए रख देते हैं, और उनको भगो के डाइट दे देते हैं। ये देखिए आपको पीछे आवाज़ सुनाई दे रही होनी है रानी की, ये मुझे कन्फर्म लग रहा है इसने हफ्ते से पहले ना कुड़क हो जाना है, और अभी ना सीधा ने भी ना आजकल के अंदर चले जाना, फिर ना मैं अकेले वीडियो बनाया करूँगा, इधर चल जाना ना, ये इसने इसके अंदर ही रोटी भिगो दे सारी।
ये खुद ही आके ना खा लेंगे, सुबह खा लेंगे या अभी खा लेंगे। अभी इन्हों को ना मैं पकड़ के ना बंद कर देना, देखे धूप भी सारी चलेगी, आपको जरा नज़र आ रही होनी है, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सी धूप रह गया, बाद में भी शाम होनी है, फिर हमने अफ्तारी का सामान भी लेके आना है, तो काम बहुत ज़्यादा है। अभी ना हम ना इन्हों को जानवरों को अभी ठहर के ना 10-15 मिनट इन्हों को घूमने देते हैं, और जो सा हमने दाना वगैरह डाला है वो इन्हों को खाने देते हैं, खा जब ये अपना सारा कुछ ख़त्म कर लेंगे इन्हों को इस कमरे के अंदर बंद कर देंगे। धूप है वो भी चलेगी, और रोटी भी फिजा ने भगो दिया, अभी थोड़ी सी नरम हो गया, अभी रानी को डाल देंगे जब बंद करते वक्त, और अपना साथ ही ना इस ब्लॉग का एंड कर देंगे। कल वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हमने रानी को अंडों के ऊपर बैठाया के बंद किया, सही है फिजा, और अब साथ ही ना इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, नमाज कायम कीजिएगा। फिजा बाय बाय कर दे, बाय बाय। अभी हम ना आपको कल व्लॉग में दिखाएंगे कि हमने मुर्गी को पहाड़े के ऊपर बैठाया कि हमने इसको ना केज के अंदर बंद कर दिया। I know you told you.